देख सकते हैं और थोड़ा कैमरा पास पे, गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो है दिख रहा होगा, तो ये फल है, ये फल देख रहे हैं, ये है और यहाँ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं 3-4 ठो। तो ये जो है, हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, पहले हम जाने वाले हैं खेत पे, तो हो गए रेडी, चलते हैं। और हमारे साथ अमित भाई चलेंगे भी, तो गाइस चलते हैं फैमिली। और मेरे को गए हुए वहाँ पर काफ़ी दिन हो गया, सिंघाड़ा सूख गया था, तो गाइस आज फाइनली चलेंगे, देखेंगे क्या हाल है। तो चलते हैं फाइनली, निकलते हैं यहाँ से अभी। तो गाइस फाइनली आ गए खेत पे और बाइक वहाँ पे लगा दिए। तो गाइस ये सिंघाड़ा जो है बहुत मस्त है यार गाइस, मतलब इसका जो फल है वो फल दिखाएंगे आज हम, मतलब कैसे इसमें फल आता है। और इसमें पानी एकदम सूख गया था, मैं सोचा था मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ गाइस, जो कि मतलब पानी मतलब 2-3 दिन बाद ही पानी बरस आ गया। फिर उसके बाद हमने इसमें लगा कर मशीन लगाना पड़ा हमको, तो फाइनली इसमें पानी भर दिए। और देख सकते हैं यहाँ पे फूल रहे हैं, सब वाइट वाइट दिख रहे हैं हमको, सब फूल रहे हैं। तो दिखाते हैं इसमें मतलब फल जो आ रहा है अभी छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा है, क्योंकि अभी 10-15 दिन और लगेंगे तो फल बड़ा हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं इसको, और मस्त है गाइस, मज़ा आ रहा है। तो इसमें दवा भी मारना था, तो मैंने दवा मार दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटाणु लग रहे थे, जो कि उसको बिकॉज खा जा रहे थे, मतलब जो पत्ते हैं ना सिंघाड़ा के, तो उसको खा जा रहे थे। तो उसको आज हम दिखाएंगे आपको कि मतलब फल जो आ रहा है वो कैसा है। तो बैक कैमरा से दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं फटाफट। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे, ये अंदर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा मतलब पेंट गर्म मोड़ लिए हैं, दिखाते हैं गाइस फटाफट। तो इसको उठाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, और थोड़ा कैमरा पास पे, गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो है दिख रहा होगा, तो ये फल है, ये फल देख रहे हैं, ये है और यहाँ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं 3-4 ठो। तो ये जो है, इसको 10-15 दिन लगेंगे। और इस पर पत्ता जो दिख रहा होगा आपको, इसमें छेद से मतलब इसमें कीटाणु इतना ज़्यादा लग गए थे, ये सब खराब हो रहा था, तो इसमें मैंने दवा मार दिया। इसमें सब पत्ते आप लोगों को दिख रहा होगा कि मतलब ये सब बेकार हो रहा था पत्ता, तो इसमें मैंने दवा मार दिया है। और फाइनली इसका जो जड़ है ना, वो अंदर से लगा होता है, जो जड़ होता है, जो उसका जड़ होता है अंदर से लगा होता है। तो और ये फूल रहे हैं देख सकते हैं, मतलब जो भी जो पहले से मैंने लगाया है वो इस टाइम फूल रहे हैं, और जो मतलब इस समय लगाए जो मतलब बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ थे वो फल रहे हैं। तो ये सब जो पेड़ है मैंने दिखाया था आपको, ये अभी फल रहे हैं, तो इसका फल अभी कम से कम 15-20 दिन तकरीबन लगेगा इसको तैयार होने में। फल इसका मतलब इतना दिन कम से कम 1.5 महीना रखता है इसको पूरा मतलब छैलने में लग गया। मैं जब लाया था तो आप लोग देखेंगे कि एकदम मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था कि ये फैल जाएगा, इतना ज़्यादा फैल जाएगा, बट इसमें क्या होता है ना गाइस, ये फैल जाता है और फैल कर अपने आप एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित होकर इसका यही होता है कि इसमें दवाई बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है, क्योंकि कीटाणु इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी तक मैंने इसमें दो मतलब जो होता है ताकत वाला, जो इस पौधों को ताकत देता है, वो मैंने दवाई मारा है दो, एक और एक मारा परसों मैंने मारा था एक दवाई, उसका नाम है जो पत्ते को कीटाणु लग गए थे उस पर छेद कर रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु लग गए। अगर मैं 2-3 दिन और लेट करता तो ये सब सिंघाड़ा ख़त्म कर देते, पत्ते को सब खा जाते, तो क्या होता कि ये सब फलता नहीं। तो इस बारे चलते हैं, एंड अभी तक चलना है टमाटर खेत में, वहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि हम पहले यार 15-20 दिन से यहाँ पे आ नहीं रहे थे, और आए आज, तो चलिए दिखाते हैं आपको टमाटर का भी खेत कैसा है। और यहाँ पे धान वगैरह तो सब कुछ मस्त है, मैंने देखा है, क्योंकि धान वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो चलते हैं फाइनली, देखते हैं टमाटर कैसा है। तो गाइस आज के ब्लॉग में हमारे अमित भाई भी हैं, तो ये भी फ़ोन पर थोड़ा चला रहे थे, तो यहाँ पर सिंघाड़ा मस्त यार, कहीं मज़ा आ रहा है। तो यहाँ का जो सीन है काफ़ी बढ़िया तगड़ा वाला आ रहा है। शाम का टाइम अभी बज रहे 5, तो अभी 5 बज रहा था मैं, और वहाँ पे सामने मतलब जो लकड़ी का मैंने घर बनाया था वो आप लोग ब्लॉग देखे होंगे। तो चलते हैं फटाफट वहाँ से, यहाँ पे धान वगैरह बहुत मस्त धान है गाइस, और यार वहाँ चलते हैं और टमाटर देखते हैं कैसा है, एंड मिलते हैं खेत पे। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगा हुआ है जाल, हम लोग मतलब खेत के जो होता है जाने वाला रास्ता वहाँ से चल रहे हैं इस टाइम। तो यार यहाँ पे एक मिल का कपड़ा लाल सा जो लगाता है यहाँ पे लगा हुआ है, ये मस्त सा लग रहा है गाइस। तो चलते हैं फटाफट गाइस, यहाँ पे तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे मतलब जो मट्टी है देख सकते हैं, सब टमाटर पे जितना टमाटर था उस पर दवा दे करके फिर उसके बाद इसमें मट्टी चढ़ा दिया गया, वहाँ पे देख सकते हैं दूर यहाँ पे हमारा घर है, जो जानवर से निगरानी करने के लिए लगाए हैं यहाँ पे। तो गाइस सब मट्टी चढ़ाया जा रहा है सभी खेतों में, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा सीन आपको। तो गाइस यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और चलते हैं यहाँ से फटाफट निकलते हैं। और सामने रास्ता अमित भाई भी वेट कर रहे हैं कब का वहाँ पे खड़ा, भले चलते घर पे, एंड अभी बहुत सारा काम करना है, चलते हैं फटाफट घर पे। तो गाइस मैं आपको पता होगा मैं बिना ट्राइपॉड का ही वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम, बस पहले चलते हैं फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो अब निकलते हैं यहाँ से, मस्त आ गए यहाँ पे रोड पे आ गए, और यहाँ का सीन तो एक तगड़ा वाला आ रहा है गाइस यहाँ पे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड निकलते हैं, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, फटाफट चलते हैं। अमित भाई भी वहाँ पर वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं वहाँ पे अमित भाई भी खड़े हैं, जो रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी आए हैं घर पे, एंड अभी चलते हैं पढ़ने। गाइस यार आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आज मेरा मूड कर दिया पढ़ने का, मतलब मन कर दिया, तो ऐसे नहीं चलते पढ़ने।
तो गाइस आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आज तो बहुत मज़ा आ गया गाइस, आज मैं खेत पे गया था। तो आई होप कि पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइबर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल मस्त मस्त ब्लॉग ऐसे आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।